दोस्तों नमस्कार। क्या आपके जेब में 60 रुपए प्रति किलोमीटर चलने के लिए पैसे हैं? तभी आप रोड पे चल पाएंगे। गाड़ी आप निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से एक बहुत बड़े तादाद में आज के डेट में रोड पे चेकिंग चल रही है, और यहां तक कि गली कूची में भी पुलिस वाले चेक कर रहे हैं, जो कि बढ़े हुए पेनल्टी की वजह से, और जितनी पेनल्टी हो रही है वो आपके सामने है। लेकिन इस बीच जो ये पेनल्टी बढ़ाया गया है, इसके तहत कहीं कैब एग्रीगेटर्स को फायदा पहुंचाने की क्या कोशिश की जा रही है, ये एक सवाल है। क्योंकि अभी सरकार के तरफ से एक फरमान आया कि ओला उबर 3 गुना तक सर्ज प्राइसिंग आपसे वसूल सकते हैं। वहीं पे निर्मला सीतारमन जी, जो वित्त मंत्री है, उनका बयान आया था कि ऑटो सेक्टर की मंदी ओला उबर की वजह से भी है। वहीं पे बीजेपी के ही जो पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं जसवंत सिन्हा जी का एक बयान आया आज, फिर ट्रक की बिक्री किसकी वजह से घटी है ये भी सरकार बता दे। खैर, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि क्या आपके जेब में 60 रुपए हैं तभी आप रोड पे चल पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात समझने वाली बात यह है कि ना टैक्सी वाले बचेंगे, ना टैक्सी पे चढ़ने वाले बचेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले इस पे आता हूं। जब निर्मला सीतारामन जी का ये बयान आया कि ओला उबर की वजह से ऑटो मार्केट जो डाउन है, वो ओला उबर का भी उसमें योगदान है, जिसके तहत दो तरीके से रिसर्च किया गया रोड पे, और ये बहुत चौंकाने वाला है। और टैक्सी वाले क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, टैक्सी वाले किस कदर गाड़ी चला सकते हैं इन एग्रीगेटर्स के साथ, ये एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जिस तरीके से ये कैब एग्रीगेटर 6 से 8 रुपए में तकरीबन गाड़ी चलवाते हैं, और बहुत देते हैं तो 10 रुपए किलोमीटर देते हैं, क्या 10 रुपए किलोमीटर में ये गाड़ी चलवाना संभव है और चलाना संभव है? क्योंकि जिस तरह से ईंधन के जो प्राइस है वो आसमान छू रहे हैं, और जिसके तहत जबरदस्ती इन ड्राइवर से उस रेट पे गाड़ी चलवाया जा रहा है जो कि आधा रेट भी नहीं है, और उसकी वजह से इनके गाड़ियां बिकते जा रही थी। इस बीच हम आप सब कहते थे कि टैक्सी वाला कहीं का अगर 100 का 150 रुपया मांग लिया तो ये बहुत बड़े लुटेरे हैं, चोर हैं, बदमाश हैं। अब वही आपसे 100 के अगर 300 मांगेंगे तो आपके मुंह से जवान नहीं निकलेगी, और आप कहोगे किससे? एक रिसर्च के मुताबिक एक प्राइवेट गाड़ी वैगन आर, जिसके ऊपर ये पूरी रिसर्च आधारित की गई, जिसको ओला मिनी और माइक्रो के नाम पे चलाती है, उस पर 25 राइड किए जिन्होंने रिसर्च किया है। मैं उसकी लिंक नीचे डाल दूंगा। 25 राइड किए उन्होंने, तकरीबन उनका बिल जो आया 20 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से आ रहा था। लेकिन अगर वही गाड़ी पर्सनल वो ड्राइव करते हैं तो तकरीबन 18 रुपये 33 पैसे पर किलोमीटर गाड़ी के खर्चे आ रहे हैं आज की रेट में। यहाँ एक चीज नोट करके रखिएगा कि इसमें पेट्रोल यूज किया गया था, सीएनजी यूज नहीं किया गया था। तो 18 रुपये 33 पैसे उनका कॉस्ट आया गाड़ी का, और वही गाड़ी अगर वो ड्राइवर रख के चलाते हैं तो तकरीबन 33 रुपये 30 पैसे के पर किलोमीटर के करीब कॉस्ट आया। 33 रुपये 30 पैसे पर किलोमीटर अगर आप ड्राइवर रख के गाड़ी चलाते हैं, तो वो भी प्राइवेट वे। अब आप यहां पे जरा सोच सकते हैं कि जिस टैक्सी वाले से 6 से 8 रुपए या 10 रुपए पर किलोमीटर पे गाड़ी चलवाई जा रही है, फिर वो जिंदा कैसे बच रहा है, और क्यों नहीं उसकी गाड़ी बिके, और क्यों नहीं वो आत्महत्या करे। यहां पे एक बात कहना जरूरी है कि जिस तरह से ओला उबर के लिए ये सिटी टैक्सी स्कीम एक्ट आ रही है अब हर राज्य के लिए, और उसी तरह से 2016 के अंदर में 2 एक्ट बनाए गए थे, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2016 और सिटी टैक्सी स्कीम एक्ट, जो इन एग्रीगेटर्स के लिए लाए जा रहे थे। क्योंकि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट में इन एग्रीगेटर्स को पहले जगह देना था, तभी वो सिटी टैक्सी स्कीम के अंदर में आते, ये जाहिर समझने वाली बात थी। अब वो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में एग्रीगेटर नाम से इन लोगों को घुसा दिया गया है, जिसके तहत ट्रक में भी एग्रीगेटर आएंगे, आपके बस में भी एग्रीगेटर आएंगे, और टैक्सी में तो एग्रीगेटर बिना कानून के पहले ही चल रहे थे, जिनको कानून का अमली जामा पहना दिया गया है। वहीं पे सरकार कह रही है कि अब एग्रीगेटर आपसे 3 गुना तक, यानी कि सर चार्ज के नाम पे 3 गुना तक पैसे वसूल कर सकती है, यानी कि 20 रुपए किलोमीटर जो गाड़ी अब चल रही थी इनकी, वो 60 रुपए पर किलोमीटर तक आपसे वसूल सकती है। लेकिन यहां पे सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ड्राइवर को जो 8 से 10 रुपए पर किलोमीटर की तकरीबन किराया दिया जा रहा है, तो उसके ऊपर वो गाड़ी कैसे चला पा रहा है, और इसीलिए ड्राइवर पूरे भारतवर्ष में विरोध कर रहे हैं इनका, और पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में इनका विरोध हुआ है। जहां भी इनकी बिजनेस पॉलिसी जिस तरह से है, वहां पर ड्राइवर्स ने विरोध किया है। जानकारों का यह भी कहना है कि सरकार इनके ऊपर पॉलिसी बनाने से पहले
विदेशों में जो इनके ऊपर जो जो आरोप लगे हैं एग्रीगेटर्स के ऊपर, विदेशों में भी ड्राइवर्स ने आत्महत्या कर रहे हैं यूएस के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर, वहां से इनको थोड़ा सा सीख लेना चाहिए था कि इनके ऊपर नियम कैसा बनाया जाए। लेकिन नहीं, भारत में बिना किसी चीज को सोचे समझे इनके ऊपर ये कानून लाया गया और जिस कानून के अंदर में एग्रीगेटर को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये वक्त ऐसा है जिस वक्त मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जितना जुर्माना लगाया गया है और लोग गाड़ी बाहर निकालने से कतरा रहे हैं, उसके तहत अब इनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और अभी तुरंत ही अब ये 3-3 गुना सर्ज प्राइसिंग वसूल करेंगे। लेकिन ये सर्ज प्राइस जिसको डायनामिक प्राइसिंग का नाम दिया गया है, ये डायनामिक प्राइसिंग कौन डिसाइड करेगा? यानी कि एग्रीगेटर का सॉफ्टवेयर ये कहेगा कि अभी वहां पे गाड़ियां कम है तो आपसे 60 रुपए किलोमीटर हम लेंगे, यानी कि 3 गुना सर्ज प्राइस आपसे लेंगे। इनके सॉफ्टवेयर के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल पूरे विश्व में लगा हुआ है, जिसके तहत कई बार आप चेक कर सकते हैं, मैंने पहले वीडियो भी डाले हैं कि इनके सॉफ्टवेयर पे सवाल है कि ये कस्टमर को कुछ और फेयर दिखाते हैं, ड्राइवर को कुछ और फेयर दिखाते हैं, ड्राइवर को जो ये कमीशन काट के पैसा देते हैं, कई बार 60-60% 70-70% तक उस ड्राइवर से कमीशन काटा जाता है। तो आप ये कैसे, ये जो इनका सॉफ्टवेयर है अगर यही डिसाइड करेगा तो ये तो हमेशा कहेगा कि सर्ज लगा हुआ है, क्योंकि इनके सॉफ्टवेयर का डेटा सरकार अपने कब्जे में लेना नहीं चाहती है, जबकि इनका सॉफ्टवेयर कहीं से ना सर्टिफाइड है ना वेरीफाइड है, जिसके ये खुद ही मालिक है, जब चाहे जैसे मर्जी चाहे अपने हिसाब से ये सॉफ्टवेयर में मैनिपुलेशन कर सकते हैं और ये साबित हो चुका है। इसके तहत जब एक तरफ जनता अभी त्राई त्राई कर रही है जिसपे एक्सीडेंट का हवाला देके, रोड एक्सीडेंट जो भारत नंबर 1 है उसमें, जिसके तहत पेनल्टी बढ़ाई गई कि इससे एक्सीडेंट्स कम होंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग का जो 2016 का इनके लिए जो एक प्रपोजल लाया गया है जिसपे एग्रीगेटर को किस तरह से चलना है स्टेट वाइज में, उसके तहत नीति आयोग यानी कि सरकार की थिंक टैंक खुद कह रही है कि ना इनके मिनिमम और मैक्सिमम यानी कि न्यूनतम और उच्चतम किराया पर इनके ऊपर कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए, जो मर्जी ये चार्ज कर सकते हैं। इनका बेस फेयर कौन तय करेगा, ड्राइवर को कितना पैसा दिया जाएगा ये कौन तय करेगा, और सर्ज प्राइसिंग जो वसूला जाएगा हवाला दिए दिया जा रहा है कि ड्राइवर उससे ज्यादा काम कर सकेंगे, ड्राइवर को तो मिलता ही नहीं वो सर्ज प्राइसिंग। तो ये जो कहते हैं कि हम सिर्फ 20% कमीशन और उसके ऊपर टैक्स लेते हैं, तो इनका कमीशन क्यों नहीं फिक्स किया जाना चाहिए और सरकार इसको फिक्स क्यों नहीं करना चाहती है? क्योंकि सिर्फ ये 20% कमीशन काटे, अगर 60 रुपए किलोमीटर भी ये चार्ज करते हैं तो क्या वो 60 रुपए पर किलोमीटर ड्राइवर को जाएगा कमीशन काट के? बिल्कुल नहीं जाएगा। ड्राइवर को वो 10 से 12 रुपए देते रहेंगे और ड्राइवर मरते रहेंगे, तो टैक्सी वाले भी खत्म हो जाएंगे और चढ़ने वाले तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास ना रोजी है ना रोजगार है, तो आप 60 रुपए किलोमीटर कहां से चलोगे? वहीं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सरकार को मुहैया कराना था उसमें सरकार बिल्कुल ही नाकामयाब रही है, बिल्कुल जीरो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर शहर में, मेट्रो सिटी की बात करें तो, जहां पे सरकार का ये दायित्व था कि पब्लिक को सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया कराया जाए, लेकिन सरकार ओला उबर के सहारे जनता को छोड़ना चाहती है और उस वो ओला उबर जो आपसे 3-3 गुना यानी कि 60-60 रुपए आपसे वसूली करेगी, तो अब आप किसको चोर और किसको बेईमान कहोगे और किसे आप गालियां सुनाओगे इसके लिए? ये आपकी आप समझ सकते हैं, क्योंकि पहले तो हम कहते थे कि ऑटो वाले ने हमसे 150 रुपया मांगा, ये काली पीली वाले टैक्सी वाले चोर है, वहां का 100 रुपए किराया था 200 मांगता था, अब वही 200 को 600 मांगेगा तो आप किसे कहेंगे जाकर के? शुक्रिया दोस्तों, मिलता हूं नए वीडियो में कुछ नए मुद्दे के साथ।